हेलो ए टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज मंदिर शेयर करने जा रहा हूँ वह देवरिया मोहल्ला में स्थित है। ये देवरिया मोहल्ला जो है वो जहानाबाद कोर्ट के दक्षिण साइड में स्थित है। ये मोहल्ला कुछ ही दूर पर स्थित है, आधा किलोमीटर करीब पैदल का रास्ता है। तो मैं जो मंदिर शेयर कर रहा हूँ वह मंदिर है हनुमान जी का। तो ये मंदिर का लुक है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए इस मंदिर को पहले दर्शन कर लें और यहाँ के कुछ भक्तों से बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में आप देख रहे हैं कि एक सुंदर सा शिवलिंग स्थापित है और इनकी पूजा जो है इस सावन महीने में काफ़ी श्रद्धा से होती है। तो चलिए शिव जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यहाँ के भक्त जो कि काफ़ी श्रद्धा से यहाँ भक्ति दिखाने आते हैं भगवान के प्रति, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ घंटा लगा हुआ है। तो मैं घंटे से शुरुआत करता हूँ। जय बजरंग बली। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आप सुंदर सी प्रतिमा जो है हनुमान जी की है, और ये हनुमान जी का जो है पूजा और श्रद्धा यहाँ से अच्छे से होती है। देखिए यहाँ जो है अभी उनका सफाई का काम यहाँ के भक्त लोग कर रहे हैं। जो सुबह सुबह पूजा हुई है तो ये बेलपत्र ये साफ कर रहे हैं। तो चलिए पहले हनुमान जी से आशीर्वाद भी ले लेते हैं। जय बजरंग बली। तो यह मंदिर का जो है परिवेश मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये मंदिर का जो है तो मैं आपको यहाँ के मंदिर का जो है परिवेश मैं आपको शेयर कर दूँ। तो देख रहे हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में जो है एक बड़ा सा विशाल पीपल का पेड़ भी है, और इस पीपल के पेड़ की भी जो है पूजा यहाँ के भक्त लोग कितनी सुंदरता से करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ हुमादान बना हुआ है और ध्वजा भी लगे हुए हैं। और मैं आपको बाहर से यहाँ का जो है दृश्य दिखा दूँ। तो दोस्तों, ये मंदिर का जो है उत्तरी दृश्य है, और ये मंदिर यहाँ के भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो है भक्तों ने ये दान जो किए हैं उनका जो है ये दर्शाया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ के, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मंदिर की स्थापना हुई है उसका ये मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ के एक भक्त मिल गए हमें। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि मंदिर का रखरखाव कैसे होता है और मंदिर कब से बनी है, और इसकी कुछ स्टोरी अगर ये बताना चाहें तो जानकारी लेते हैं। तो सर, ये मंदिर मैं YouTube पर शेयर कर रहा हूँ, और आप मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मंदिर का रखरखाव कैसे होता है, यहाँ सभी भक्तगण बारी बारी से सेवा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे, बताइए मंदिर के बारे में। मंदिर कोई तो बहुत साल पुराना मंदिर बनाया हुआ है, बहुत पुराना, कम से कम 25-26 साल पुराना है यहाँ पे है ये। जी, 25 साल पुराना मंदिर है। तो मंदिर आपने यहाँ के भक्तों ने काफी श्रद्धा से सुंदर मंदिर बनाया है, और बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग है, और यहाँ सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ रहती है। अभी बहुत सारा। तो देख, 1500 लोग आते हैं, लोग 4 बजे से पूजा करने सब लोग लगते हैं। तो थैंक यू मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मंदिर तो आपके एरिया में भी होता होगा, क्षेत्र में भी होता होगा, और मंदिर का रख रखाव आप लोग भी करते होंगे। तो मैं YouTube पर जो है ये शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इस मंदिर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो ज़रूर आप प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।